नमस्कार, मैं अप्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। अब बिहार के निजी विश्वविद्यालय को देना होगा कार्य योजना की रिपोर्ट। सरकार ने प्रदेश में संचालित सभी निजी विश्वविद्यालयों के लिए वार्षिक कार्य योजना बनाने और उनके क्रियान्वयन की रिपोर्ट देना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर उच्च शिक्षा के विकास एवं गुणवत्ता के लिए कार्य करने का निर्देश भी दे दिया गया है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार की तरफ से यह निर्देश निजी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को दिया गया है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश में संचालित हो रहे अमिटी विश्वविद्यालय, संदीप विश्वविद्यालय, सीवी रमन विश्वविद्यालय, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, अल करीम विश्वविद्यालय, केके विश्वविद्यालय और ममता गुर्जरी विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों की प्रशंसा भी की है। प्रधान सचिव संजय कुमार ने निर्देश दिया कि निजी विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के दाखिले को बढ़ावा दिया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों की रुचि उच्च शिक्षा में बढ़ सके। बिहार में ट्रक चालकों की अब खैर नहीं, बिहार में ट्रक चालकों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। मेरी जानकारी के अनुसार पुलों पर बढ़ रहे दबाव को ध्यान में रखते हुए 14 चक्के से ज्यादा के ट्रकों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के बार बार मना करने के बावजूद भी ट्रकों पर बालू और गिट्टी का लदान करवाया जा रहा था। कई जिलों में अब तक सैकड़ों ट्रक को प्रशासन ने जब्त कर लिया है। गलत करने वाले लोगों से भी जुर्माना वसूला जा रहा है। दरअसल बिहार में 14 चक्का या उससे अधिक के ट्रकों से बालू और गिट्टी के ढुलाई पर रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कैबिनेट में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि भारी मालवाहक वाहन द्वारा ओवरलोडिंग रोक और उसके प्रभावी नियंत्रण के लिए ही यह फैसला लिया गया है। बिहार के 26 जिलों में ठंड के कारण जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट। दिसंबर महीना अब कुछ ही समय में खत्म होने वाला है। अब उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। खासतौर से बिहार इस वक्त शीत लहर की चपेट में नजर आ रहा है। राजधानी पटना समेत सूबे के 26 जिलों में ठंड की वजह से जीना मुहाल हो चुका है। पूरा सूबे ठंड की ठिठुरन झेल रहा है। दिन और रात के तापमान में आई कमी से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड की स्थिति को देखते हुए राज्य के मौसम विज्ञान ने अलर्ट जारी कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार विभाग ने 21 दिसंबर की सुबह 8:30 बजे तक राज्य के 26 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं पूरे बिहार में दिन भर चलने वाली हवा को देखते हुए राज्य में न्यूनतम पारा लगातार गिरते जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पहुंचे भागलपुर दौरे पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मिली जीत के बाद पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भागलपुर दौरे पर पहुंचे। जयरामपुर के गुवारीडीह बहियार में लगभग 3000 साल पहले के प्राचीन सभ्यता के मिल रहे अवशेषों का अवलोकन उन्होंने किया। इसको लेकर शनिवार को ही सांसद अजय मंडल और विधायक शैलेंद्र ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया था कि सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुवारीडीह पहुंचेंगे। सांसद एवं विधायक ने कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा भी की। इसके साथ ही शनिवार को भी तैयारी को लेकर डीएम प्रणव कुमार, नवगछिया एसपी समेत अधिकारियों का दल गुवारीडीह पहुंच गया था। वहां हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड और मंच निर्माण के साथ ही वहां पर दुर्गम पगडंडियों के बीच रास्ता बनाने का काम पूरा कर लिया गया था। डीएम ने हेलीपैड से पुरातत्व अवशेष मिलने की जगह तक पहुंचने के लिए बनने वाले रास्ते का जायजा पहले से ही ले लिया था। बिहार के बजट सत्र में मेडिकल इंजीनियरिंग और खेल यूनिवर्सिटी की 3 योजनाएं होंगी शामिल। बिहार में मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत राज्य में प्रस्तावित 3 नए विश्वविद्यालयों का प्रारूप तैयार करने पर तेजी से काम जारी है। यह तीनों विश्वविद्यालय चिकित्सा, अभियंत्रण और खेल से संबंधित होंगे। प्रारूप तैयार होने पर इसका प्रस्ताव विधानसभा के बजट सत्र में पेश हो सकता है। बिहार में मेडिकल विश्वविद्यालय के गठन को लेकर आगामी बजट सत्र में मेडिकल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पेश करने की तैयारी है। विधानसभा मेडिकल विश्वविद्यालय के लिए विधेयक का प्रारूप तैयार कर रहा है। मेडिकल विधेयक तैयार किए जाने के बाद राज्य मंत्री परिषद की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अभियंत्रण विश्वविद्यालय पर भी काम शुरू हो चुका है। राज्य सरकार के निर्देश पर विज्ञान एवं विभाग ने अभियंत्रण विश्वविद्यालय के गठन को लेकर काम शुरू कर दिया है। राज्य के सारे सरकारी और गैर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज इस नए विश्वविद्यालय के अधीन होंगे। HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने IIIT का भूमि पूजन और शिलान्यास 21 दिसंबर को करने की कही बात। IIIT परिसर स्थायी भवन के निर्माण के लिए 21 दिसंबर को भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम तय किया गया है। कार्यक्रम में ऑनलाइन रूप से शामिल होने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने सहमति दे दी है। पहले 17 दिसंबर को यह कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री की व्यस्तता के कारण इसे 21 दिसंबर कर दिया गया है। IIIT के PRO धीरज सिन्हा ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि 50 एकड़ में पूरा भवन 2 फेज में बनाया जाएगा। इसकी कुल लागत 122 करोड़ होगी। में छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास, प्रशासनिक भवन, अकेडमी भवन, लाइब्रेरी क्वार्टर आदि बनाए जाएंगे। इसमें
एकेडमी ब्लॉक G+2 भवन होगा, 21 फैकल्टी चैम्बर होंगे, 12 सुसज्जित क्लासरूम होंगे और 120 छात्रों के बैठने की क्षमता और 12 प्रयोगशालाएं होंगी। सिर्फ 25% किडनी पर ही लालू यादव की जीने की रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर को मिला नोटिस। चारा घोटाला मामले में सलाखों के पीछे बंद लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं रही चल रही थी। वहीं उनकी तबीयत को लेकर हाल ही में चिकित्सक डॉक्टर उमेश प्रसाद ने अपना बयान हाल ही में साझा किया था, जिसमें उन्होंने अनधिकृत बयानबाजी करते हुए लालू प्रसाद यादव के 25% किडनी के ही काम करने की बात कही थी। हालांकि अब उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। झारखंड के कारण महानिरीक्षक वीरेंद्र भूषण ने राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान से प्राप्त लालू प्रसाद यादव की नवीनतम चिकित्सा रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य स्थिर है और उनके स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं है। आपको बता दें, इससे पहले लालू प्रसाद यादव के चिकित्सक उमेश प्रसाद को उद्धृत कर कुछ टीवी चैनल्स एक अखबार ने खबर दी थी कि उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है और गुर्दा केवल 25% क्षमता से काम कर रहा है। बाहुबली विधायक अनंत सिंह को मिली बड़ी राहत। मोकामा से राजद के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत मिली है। अनंत सिंह को जान लेने और जबरदस्ती उठाने के एक मामले में कोर्ट ने रिहा कर दिया है। पटना के MP MLA स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में अनंत सिंह को बरी कर दिया है। अनंत सिंह को सबूतों के अभाव के कारण इस मामले में बरी किया गया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष अपना आरोप साबित करने में असफल रहे। यह मामला साल 2013 का है, जिसमें अभय कुमार सिंह नामक एक व्यक्ति को जबरदस्ती उठा लिया गया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष मुकदमा साबित करने में कोर्ट में असफल रहा है और अनंत सिंह को इस केस में बाइज्जत बरी कर दिया गया है। दूसरी तरफ अनंत सिंह के एक और मामले को लेकर लिपि सिंह के बयान को कोर्ट में दर्ज किया गया है। विशेष न्यायाधीश विपुल सिन्हा की अदालत में लिपि सिंह का बयान दर्ज हुआ है। लिपि सिंह ने कोर्ट में गवाही देते हुए कहा कि यह पहली बार किसी मामले में ऐसा हो रहा है कि वो गवाही दे रही है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने युवाओं को स्वरोजगार से जुड़ने की कही बात। बिहार के नवनियुक्त मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने हाल ही में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की सलाह दी है। हालांकि नई सरकार के गठन के साथ ही सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य में 20 लाख रोजगार सृजित करना है। इसके लिए सरकार ने महज 1% ब्याज पर 5 लाख का कर्ज देने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, युवाओं को अनुदान देने की तैयारी भी की जा रही है, जिसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने दी है। उन्होंने बिहार उद्यमी संघ की तरफ से आयोजित ऑनलाइन ग्लोबल समिट के दौरान उक्त बातें कही है। संघ के महासचिव अभिषेक कुमार ने बताया कि समिट में 15 से अधिक देश के उद्यमियों और युवाओं ने शिरकत किया था। IBM के निदेशक राकेश रंजन ने कहा कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योर और रोजगार सृजन के लिए यह जरूरी है। सुशील मोदी ने किसानों का हमदर्द बन रहे लोगों को लेकर कही अहम बात। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने किसानों का हमदर्द बन रहे विपक्षी दल के खिलाफ अपना पक्ष रखा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सरकार ने खेती को उन्नत, वैज्ञानिक और लाभकारी बनाने के लिए बिहार को 4 कृषि महाविद्यालय और 1 नया कृषि विद्यालय दिया। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। इसके अलावा पटना में पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, नालंदा में उद्यान महाविद्यालय और किशनगंज में मत्स्य के महाविद्यालय खोले गए हैं। लेकिन कुछ दल अभी भी किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों को गुमराह करने वाले राजद कांग्रेस को बताना चाहिए कि उन लोगों ने अपने शासन में क्या किया। वो तो चरवाहा विद्यालय खोल रहे थे और लाठी से तेल पिलावन रैली करने में लगे थे, उन्हें किसानों की चिंता नहीं थी। 14 महीने बाद अब जदयू करेगा राष्ट्रीय मसलों पर मंथन। इस साल के आखिरी हफ्ते में जदयू देश के राजनीतिक परिदृश्य पर मंथन करने वाला है। 14 महीने के बाद 27 दिसंबर को पटना में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है। बैठक के एक दिन पहले यानी 26 दिसंबर को शाम 5 बजे जदयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है। पिछले साल अक्टूबर में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन करवाया गया था। COVID-19 और बिहार विधानसभा चुनाव की वजह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक नहीं हो पाई थी। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुख्य रूप से देश की राजनीति के वर्तमान परिदृश्य पर चर्चा होगी। ऐसे में संभव है कि किसानों से जुड़े मुद्दे पर चल रहे आंदोलन पर भी चर्चा हो सकती है, जिन अन्य मुद्दों पर विमर्श होना है। बिहार विधानसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल का चुनाव भी शामिल है। कृषि कानून को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही अहम बात। देश लगातार सुधारों की तरफ बढ़ रहा है, वहीं अर्थव्यवस्था के विभिन्न मोर्चों पर सुधार के नाम पर निवेश के मामले में भारत को लेकर दुनिया का नजरिया भी बदला है। वहीं अब इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि अब निवेशक भारत ही क्यों नहीं कहने लगे हैं। 6 महीने पहले किए गए कृषि सुधार का लाभ भी किसानों को मिलने लगा है। आपको बता दें, बीते दिन एसोचैम के एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उक्त बातें कही हैं। उन्होंने दुनिया के बाजार में भारतीय पैदावार के लिए अपार संभावनाओं का भी उल्लेख किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि इस दिशा में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों से फार्म ऑर्गेनाइजेशन सभी को मिलाकर काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना उद्योग जगत साकार करेगा, इसके लिए नियम
कायदों में जरूरी बदलाव को लेकर देश प्रतिबंधित है। भारतीय बल्लेबाजों के फ्लॉप होने की संजय मांजरेकर ने बताई वजह। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में खेले गए पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। पहली पारी में अच्छी लय में दिखाई दी भारतीय बल्लेबाज, दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों के आगे ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। वहीं बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन के चलते भारत ने डे एंड नाइट टेस्ट मैच में कई शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए हैं। इसी को लेकर पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि भारतीय बल्लेबाज स्विंग गेंदबाजी के आगे पूरी तरह विफल रहते हैं और गेंद के हिलने पर काफी असहज महसूस करते हैं। यह जरूरी है कि 36 के स्कोर को आइसोलेशन में ना देखा जाए, लेकिन भारतीय टीम के लिए यह बेहद ही शर्म की बात है। टीम इंडिया की तरफ से 36 रन का लो स्कोर जरूर बल्लेबाजों के पतन को दिखा रहा हो, लेकिन भारतीय टीम एक बैटिंग यूनिट के तौर पर गेंद की स्विंग और सिम करने पर बेहद संघर्ष करती है। रेमो डिसूजा स्वस्थ होकर लौटे घर। मशहूर कोरियोग्राफर डायरेक्टर रेमो डिसूजा को कुछ दिनों पहले दिल का दौरा अचानक से पड़ा था। हालांकि अब वो डिस्चार्ज होकर घर वापस लौट चुके हैं। कुछ दिनों पहले उनकी हालत काफी ज्यादा सीरियस बताई जा रही। रेमो डिसूजा के घर वापस आने के बाद फैंस और अपने कुछ करीबी लोगों को शुक्रिया उन्होंने कहा है। रेमो डिसूजा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें दिख रहा है कि घर पर उनका शानदार स्वागत किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा है, प्रार्थना और आशीर्वाद के लिए आप सभी का धन्यवाद, मैं वापस आ गया हूँ। इस खूबसूरत स्वागत के लिए गैब्रियल डिसूजा, एडोनिस और एडी को थैंक यू। मेरे सभी दोस्त को भी शुक्रिया। आपको बता दें, जारी किए गए वीडियो में रेमो डिसूजा लोअर और टी शर्ट में नजर आ रहे हैं और बलून से घिरे हैं और कैमरे के सामने थम्स अप कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार पर्याप्त काम करवा रही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।